इल्म से है तामीर तरक्की, इल्म से ही खुशहाली है, इल्म से है मजबूत मईशत। अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ द थर्ड डे ऑफ आवर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। इंशाल्लाह टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डे थ्री आर डिवेलपिंग प्री राइटिंग एंड राइटिंग स्किल्स, developing mathematical and analytical skills, nurturing scientific skills, art and creativity, physical activity, salient features of Usman Public School, our expectations from the parents, dealing with the current situation of COVID-19 and educating our students. Since we have talked about the four areas of language development, listening, speaking, reading and writing, now we are going to discuss about writing. Writing bunyadi taur par do tareeqe se karwai jati hai. Ek to handwriting hoti hai aur dusri transcription writing, jise hum creative writing bhi kehte hain. Writing is a very complex act which needs to be analyzed and which needs a lot of practice. Writing karane se pehle hum bachcho ko pre-writing skills करवाते हैं ताकि उनके फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर मसल्स डिवेलप हो। फाइन मोटर मसल्स और ग्रॉस मोटर मसल्स डिवेलप करने का मकसद ये है कि उनकी उंगलियां जो हैं, अल्लाह ताला ने हमें सलाहियत दी है कि हम किसी चीज़ को पकड़ सकें, लेकिन पकड़ने के लिए भी हमें अपने मसल्स को पहले टोन करना पड़ता है। जिस तरह एक्सरसाइज करने से पहले हमें अपनी बॉडी को वार्म अप करना होता है, इसी तरह पेंसिल होल्डिंग या पेंसिल ग्रिप के लिए हमें अपनी उंगलियों को तैयार करना पड़ता है, और वो हम बच्चे को मुख्तलिफ प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू कराते हैं, जिसको हम EPL एक्सरसाइजेस यानी एक्सरसाइजेस ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ कहलाते हैं, जिससे उसका हाथ के जो मसल्स होते हैं वो इस काबिल हो जाते हैं कि पेंसिल को प्रॉपरली होल्ड कर सकें। इसके साथ साथ हम ने जो वोकेबलरी डेवलपमेंट रीडिंग के एरिया में की होती है, ये वो टाइम होता है जहां वो क्रिएटिव राइटिंग में, ट्रांसक्रिप्शन में उस वोकेबलरी का इस्तेमाल करता है, उस वोकेबलरी को यूज़ करता है। अब मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जुमला बनाएं, मेक अ सेंटेंस। बच्चा जुमला बनाता है, दिस इज़ अ ट्री, ये दरख्त है। एक मयारी जुमला बनाता है, ये बड़ा घना दरख्त है, दिस इज़ अ बिग लश ग्रीन ट्री। अब उसकी वोकेबलरी में बिग लश ग्रीन और ट्री का वर्ड तो मौजूद है, तो जितना ज़्यादा वो एडजेक्टिव्स का, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करेगा यानी वोकेबलरी का इस्तेमाल करेगा, उतनी ज़्यादा उसकी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो बेहतरीन होगी। तो बुनियादी तौर पर हम दो हिस्सों में राइटिंग को डिवाइड करते हैं, फ्री राइटिंग स्किल्स और क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। फ्री राइटिंग स्किल्स में जहाँ हम उनके फाइन और ग्रॉस मोटर मसल्स को ट्रेन करते हैं ताकि उनके अंदर ना सिर्फ पेंसिल को होल्ड करने के लिए उनके मसल्स जो हैं वो जो पहले से मौजूद होते हैं वो प्रॉपरली काम करना शुरू करें, उनके लिए हम उन्हें EPL एक्सरसाइजेस यानी एक्सरसाइजेस ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ करवाते हैं, जिसमें बीडिंग। अच्छा, इन एक्सरसाइजेस को करवाने का मकसद सिर्फ उनके फाइन और ग्रॉस मोटर मसल्स को पेंसिल होल्डिंग के लिए तैयार करना नहीं है, बल्कि उनको इंटरडिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बनाना मकसद है। इंटरडिपेंडेंट का मकसद ये है कि बच्चा जब छोटा होता है तो वालदा कपड़े पहनाने में या जूते पहनाने में उसकी मदद करती हैं, लेकिन जब वो स्कूल जाने लगता है तो आप एक तब्दीली नोट करेंगे कि बच्चे के अंदर आती है कि वो कहता है मैं खुद यानी मैं खुद ये काम करूँगा। तो ये तमाम चीज़ें उसको इंटरडिपेंडेंट यानी पहले वो ग्लास को भी होल्ड नहीं कर सकता। छोटे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, हम आमतौर पर उन्हें प्लास्टिक के या छोटे ग्लासेस देते हैं, लेकिन EPL एक्सरसाइजेस से वो इंटरडिपेंडेंट यानी किसी पर इन्हिसार करने की बजाय एक इंडिपेंडेंट
फ़र्द बन जाते हैं और अपने छोटे छोटे काम खुद करने लगते हैं, जैसे जूते पहनना, जूतों को बंद करना, बैग की ज़िप बंद कर लेना, बटन बंद कर लेना, टोपी पहन लेना, ये सारी चीज़ें प्री राइटिंग स्किल्स में आ जाती हैं। लंच बॉक्स के कैप्स बंद कर लेना, लिड्स बंद कर लेना, बॉटल के कैप्स बंद कर लेना, ये तमाम चीज़ें EPL एक्सरसाइजेज में आती हैं जो कि आगे जाकर उनके फाइन और ग्रॉस मोटर मसल्स को ट्रेन करती हैं ताकि वो लिख सके। हम ये देखते हैं कि हमारे बड़े स्टूडेंट्स जो हैं वो अक्सर ये शिकायत करते हुए एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं कि हमारे लिख लिख के हाथ पे दर्द हो गया, रिस्ट में दर्द हो गया, उंगलियां दर्द करने लगी। इसकी वजह है कि वो पेंसिल पे बहुत प्रेशर डालते हैं। ये हम EPL एक्सरसाइजेस के थ्रू यानी प्री राइटिंग स्किल्स के थ्रू उन्हें सिखाते हैं कि पेंसिल पे प्रेशर नहीं डालना बल्कि टीयरलेस राइटिंग करनी है। पहले हम उन्हें राइटिंग विदाउट राइटिंग करवाते हैं, यानी आगे मैं बताऊंगी कि राइटिंग विदाउट राइटिंग का क्या मतलब होता है। सेकेंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव प्री राइटिंग का होता है वो बच्चे की आई हैंड कोऑर्डिनेशन को डेवलप करना होता है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन के डेवलप करने का मकसद ये है कि बच्चे की आंख और हाथ साथ में काम करें, क्योंकि आगे जाके उसको ब्लैक बोर्ड से नोटबुक में चीज़ें कॉपी करनी होती हैं। री राइटिंग स्किल्स में जो चीज़ें हम बच्चों को कराते हैं वो बीडिंग है, पेगिंग है, स्पूनिंग है, स्पंजिंग है, स्क्रिबलिंग है और पेंटिंग है। और उसके बाद फिर हम उनको प्रॉपर लेटर फॉर्मेशन सिखाते हैं कि किस तरह लेटर साउंड्स जो हैं वो उनको जो है उनकी फॉर्मेशन की जाती है। जैसे मेक अ कर्वी क, गो अप, क्लोज द गेट, कम डाउन। मेक अ कर्वी क, गो अप, क्लोज द गेट, कम डाउन, ए। दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ लेटर या साउंड ए। Then tracing letters on SPL. हम इंडेक्स फिंगर के थ्रू बच्चों को SPL यानी सैंड पेपर लेटर जो कि ज़रा सी रफ सरफेस होती है ट्रेसिंग करवाते हैं ताकि उनके जहन में फ़ोटो मेमोरी के थ्रू लेटर फॉर्मेशन बैठ जाए। ऑन द बैक्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के कमर के ऊपर जो है वो ट्रेस करते हैं। इन द एयर, इन द सैंड, मिट्टी के अंदर सैंड ट्रे मौजूद होती है। ये तमाम मॉन्टेसरी ऑपरेटर्स हैं। सैंड ट्रे में वो सैंड के थ्रू सैंड के अंदर जो है वो लेटर फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। आखिर में वो स्लेट्स पे लिख रहे होते हैं। स्लेट्स पे लिखवाने का मकसद ये है कि जो बच्चे पेंसिल पर प्रेशर डाल के लिखते हैं वो प्रेशर ना डालें बल्कि बहुत आराम से लिखें, क्योंकि प्रेशर डालने से क्योंकि स्लेट पर हम चॉक से लिखते हैं और जब चॉक पर प्रेशर पड़ता है तो ऑटोमेटिकली वो टूट जाती है और इससे ज़ाहिर होता है कि बच्चा प्रेशर दे रहा है और उससे उसकी उंगली और कलाई में दर्द होगा। तो कोशिश हम ये करते हैं कि उन्हें लाइटनेस ऑफ टच डेवलप करवाया जाए। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये तमाम चीज़ें आप क्लासेस में और PTMs में जब आप लोग आएंगे तो आप ये चीज़ें देखेंगे कि किस तरीके से टीचर्स आपको इन चीज़ों के बारे में बताएंगी। इसके साथ साथ हम लेटर को इमिटेट कराना सिखाते हैं और कॉपी कराना सिखाते हैं। इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन राइटिंग जो है वो करवाई जाती है। प्री राइटिंग जो है हमारी प्री नर्सरी में होती है और लेटर फॉर्मेशन और ट्रेसिंग और ये तमाम चीज़ें हमारी नर्सरी और KG में जाकर जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ आप पिक्चर देख सकते हैं, सबसे पहले बीडिंग हो रही है, वहाँ कुछ पैटर्न्स और थ्रेड्स हैं और बच्चे को बीड्स के अंदर मौजूद सुराख में से इस थ्रेड को गुजारना है। ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन का काम हो रहा है, पेशेंस डिवेलप हो रहा है। पेगिंग में थ्री फिंगर्स इन्वॉल्व होती हैं और थ्री फिंगर्स इन्वॉल्व होकर उनकी ये थ्री फिंगर्स जो पेंसिल ग्रिप के लिए ज़रूरी होती है, पिंसर ग्रिप के लिए ज़रूरी होती हैं, डिवेलप होती हैं। चौथी पिक्चर में आप देख रहे हैं कि स्पूनिंग हो रही है, यानी दो प्याले हैं, एक में ग्रेन्स हैं और वुडन स्पून है। इनमें कोई सी भी चीज़ जो है वो ऐसी नहीं है जो बच्चे को के लिए नुकसानदेह हो, बल्कि बच्चे के अंदर पेशेंस डेवलप होता है। और ये तमाम एक्टिविटीज़ क्लास में डेली करवाई जाती हैं प्री नर्सरी में और नर्सरी में, ताकि आपके बच्चे के अंदर प्री राइटिंग स्किल्स के ज़रिए कॉन्फिडेंस पैदा हो, पेशेंस डेवलप हो और आई हैंड कोऑर्डिनेशन आए।
चौथी पिक्चर में बच्चा स्पंजिंग कर रहा है, एक प्याले दो प्याले रखे हुए हैं और एक प्याले से दूसरे प्याले में वो स्पंज को डिप करके पानी जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर आप बच्चे की तस्वीर, दोनों बच्चों की तस्वीर पे गौर करें तो वो किस कितने गौर से चीज़ों को देख रहे हैं और काम में मसरूफ़ हैं और उनको कोई गर्ज नहीं है कि आसपास क्या हो रहा है। ये तस्वीर से हमें ये चीज़ ज़ाहिर हो रही है। तो प्री राइटिंग स्किल्स जो है वो हेल्प करते हैं बच्चों की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्लस उनकी कंसंट्रेशन लेवल बिल्ड करने में, आई हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप करने में और पेशेंस डेवलप करने में। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि विजुअल डिस्क्रिमिनेशन का काम हो रहा है कि मुख्तलिफ तरह की कीज़ हैं एंड दे हैव टू मैच। दिस एक्टिविटी इज़ कॉल्ड विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि रीडिंग के अंदर विजुअल डिस्क्रिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। मैथमेटिकल डेवलपमेंट में हम उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स सिखाते हैं, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि प्रैक्टिकली चीज़ों को, यानी जो कॉन्सेप्ट्स दिए जाते हैं वो कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, यानी उनको करके दिखाया जाता है। लाइट और हैवी का कॉन्सेप्ट थ्रू पिक्चर्स नहीं दिया जाता, बल्कि कॉन्क्रीट मटीरियल, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट उनके हाथ में दिया जाता है और फिर उन्हें उसके थ्रू सिखाया जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स सिखाई जाती हैं कि किस तरह से उन्हें प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना है। साइंटिफिक डेवलपमेंट में और साइंटिफिक स्किल्स में वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, उसका हाइपोथेसिस करते हैं। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी जर्मिनेशन की, कि वो जर्मिनेशन को जो है वो देखते हैं कि किस तरह एक सीड जो है उसकी स्प्राउटिंग होती है, कैसे उसकी रूट्स निकलती हैं, शूट्स निकलती हैं, वो स्प्राउट करता है, वो उसका डेटा रिकॉर्ड करता है, बच्चा सीक्वेंस वाइज उसको ड्रॉ करता है कि फर्स्ट डे मैंने पानी दिया तो उसके अंदर कुछ नहीं हुआ, सेकंड डे मैंने पानी दिया कुछ नहीं हुआ, थर्ड डे उसके अंदर से छोटी छोटी रूट्स निकलनी शुरू हुई, फिर शूट्स निकली, स्प्राउटिंग हुई, फिर वो प्लांट बना। ये तमाम चीज़ें वो ऑब्ज़र्व करता है, डेटा रिकॉर्ड करता है। इस तरह वो प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स से जो है वो रूशनास होता है और उन्हें ज़िंदगी में अप्लाई कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रैक्टिकल लाइफ स्किल में एक बहुत बुनियादी चीज़ आती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ नॉब्स। अब राइट हैंड साइड पे करना है या लेफ्ट हैंड साइड से क्लोज करना है, ये तमाम चीज़ें वो करके देखता है, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके देखता है। ये तमाम चीज़ें हम अपने साइंटिफिक डेवलपमेंट में सिखा रहे होते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ देखें तो दो बॉक्सेस बने हुए हैं, एक पे सन है और एक पर यानी समर सीज़न और विंटर सीज़न शो किया गया और उनके क्लोथ्स रखे गए हैं। तो उसमें अब इसमें बच्चे को आइडेंटिफाई करना है, यानी उसे अगर मैं पीछे जा कर देखूँ तो प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स को अप्लाई करना है कि किस तरह से वो प्रैक्टिकली सर्दियों में कौन से कपड़े और कौन से जूते पहनेगा और गर्मियों में कौन से जूते और कौन से कपड़े पहनेगा। इसके साथ साथ मैथमेटिकल डेवलपमेंट में हम नंबर कॉन्सेप्ट देते हैं, हम नंबर और न्यूमरल का उन्हें फ़र्क बताते हैं। अगर दो चीज़ें रखी हैं तो इन दो चीज़ों को की क्वांटिटी को जाहिर करने के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है वो दरअसल सिंबल है। जब वो सिंबल लिखा जाता है तो वो जाहिर करता है कि दो है। तीन चीज़ें रखी हैं तो हम नंबर थ्री बनाते हैं तो वो ज़ाहिर करता है कि तीन चीज़ों की क्वांटिटी को ये सिंबल ज़ाहिर कर रहा है। इसी तरह हम उन्हें साइजेस, शेप, स्किल्स एंड ऑपरेशंस पर उनके काम करते हैं और थ्रू एक्टिविटीज़ हम उनके उनको ये तमाम चीज़ें सिखाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऊपर सर्कल लिखा हुआ है और साथ में शेप बनी हुई है और बच्चे सर्कल के अंदर सर्कल, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल और रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल रख रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ साइज़ के सर्कल्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल्स हैं जिसके जो वो पर्टिकुलर खाने में ही रख रहे हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा होता है कि सर्कल छोटा भी होता है, सर्कल बड़ा भी होता है, यानी बिग भी होता है, स्मॉल भी होता है। ये क्या हुआ, ये प्रैक्टिकल लाइफ स्किल हुई कि उन्होंने उस शेप को रिकग्नाइज़ किया, उसको उसके पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर पुट किया और ये भी आइडेंटिफाई किया कि बिग और स्मॉल स्क्वायर्स हो सकते हैं।
इसी तरह अगर आप देखें तो एक पिक्चर के अंदर नंबर 2 और 5 रखा हुआ है और साथ ट्रे है और बच्चे का हाथ नज़र आ रहा है। बच्चा सैंड या सेमोलिना यानी सूजी के अंदर उस नंबर 5 को एज इट इज़ ट्रेस कर रहा है। दिस इज़ कॉल्ड राइटिंग विदाउट राइटिंग, यानी बग़ैर पेंसिल होल्ड किए हुए वो नंबर 5 लिख रहा है। इट इज़ अ वेरी इंजॉयबल एक्टिविटी, इवन बड़ों को भी करने में बहुत मज़ा आता है और बच्चे पेंसिल पकड़े बग़ैर बहुत आराम से इमिटेशन या कॉपिंग सीख जाते हैं। किसी चीज़ को देखकर उसे लिखना इमिटेट कर कहलाता है या कॉपिंग कहलाता है। बहुत इजीली बच्चे जो हैं इसमें खाली हम नंबर्स नहीं लिखवाते बल्कि साउंड्स भी लिखवाते हैं, शेप्स भी बनवाते हैं, तो बच्चा इस इन कॉन्सेप्ट्स में ये चीज़ें सीख जाता है। लेफ्ट हैंड साइड के बॉटम पे अगर आप देखें तो वहाँ पर 1, 2 और 3 और अंदर आपको नंबर 4 और कुछ बॉक्स के अंदर काउंटर्स नज़र आ रहे हैं। तो वहाँ पर तीन नंबर्स लिखे हुए 1, 2 और 3। नंबर्स के नीचे काउंटर्स हैं, एक्चुअली वो जो है वो नंबर 1 है जो जाहिर कर रहा है उस क्वांटिटी को जो नीचे काउंटर रखा है, यानी नंबर और न्यूमरल के फ़र्क को वाजे कर रहा है कि 1 के नीचे अगर एक सिक्का रखा हुआ है या एक काउंटर रखा हुआ है तो ये वन सिंगल काउंटर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। और जिस तरह मैंने कहा कि फॉर्मेशंस हम बच्चों को सिखाते हैं तो इस तरह हम उर्दू और मैथ्स की भी फॉर्मेशन सिखा रहे होते हैं, वन कम्स डाउन एंड डाउन। इसी तरह उर्दू में दाएं से बाएं कश्ती बनाएं, नीचे एक नुक्ता लगाएं, क्या बना बा। तो इसी तरह जब ट्रे सैंड ट्रे या सेमोलिना ट्रे के अंदर वो ट्रेसिंग कर रहे होते हैं तो साथ साथ वो ये राइम भी बोलते जाते हैं और इस तरह से राइटिंग विदाउट राइटिंग हो रही होती है। अब मैं दोबारा नंबर्स की तरफ आऊँगी। आपने देखा कि नंबर 2 रखा हुआ है, उसके नीचे 2 काउंटर्स हैं, यानी 2 की क्वांटिटी को ये सिंबल ज़ाहिर करता है, 3 की क्वांटिटी को ये सिंबल ज़ाहिर करता है। तो वो उतने ही काउंटर हम बच्चों के आगे नॉर्मली काउंटर्स रख देते हैं और उनसे कहते हैं कि सिंबल इसके सामने रखें, या फिर सिंबल्स रख देते हैं उनसे कहते हैं काउंटर्स रखें, वाइस वर्सा ये एक्टिविटीज़ होती हैं ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरीके से जो है नंबर और न्यूमरल को डिफ्रेंशिएट करना है। ऊपर आप देख रहे होंगे कि टॉप लेफ्ट पर जो है वो एक जो है सेंसोरियल एक्सरसाइज हो रही है। ये सिलेंडर नॉब्स हैं जो कि आप देख रहे हैं कि टीचर ने पकड़ा हुआ है और उन्होंने अपनी 3 फिंगर्स से यानी 2 फिंगर्स एंड अ थंब से उसको होल्ड किया हुआ है। बेसिकली इसका मकसद पेंसिल ग्रिप को डेवलप करना है, कंसंट्रेशन डेवलप करनी है, साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी डेवलप हो रहे हैं जैसे थिक और थिन, बिग और स्मॉल, वाइड एंड नैरो। ये 6 सेट्स होते हैं एंड दे आर मॉन्टेसरी ऑपरेटर्स विच वी यूज इन आर मैथमेटिक क्लास। इसके साथ साथ नंबर रॉड्स भी हैं। नंबर रॉड्स में आप देख रहे हैं कि 2 कलर के रॉड्स पे 2 कलर्स मौजूद हैं, रेड एंड ब्लू। तो उसमें वो ये नंबर रॉड्स एडिशन में बहुत काम आते हैं, इसके अलावा काउंटिंग सीक्वेंसिंग में भी बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं। आर्ट्स एंड क्रिएटिविटी में हम कटिंग एंड पेस्टिंग बच्चों से करवाते हैं। कटिंग हम उन्हें सेफ्टी सीजर्स के थ्रू करवाते हैं और फिर पेस्टिंग करवाते हैं क्योंकि ये भी EPL एक्सरसाइजेस है। आर्ट और किसी चीज़ को क्रिएट करना बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में बहुत अहम रोल अदा करता है क्योंकि बच्चा जो चीज़ आमतौर पर से ये होता है कि टीचर फ्लावर बना के या गाड़ी बना कर दे देती है, बच्चा उसमें कलर कर लेता है। नहीं, जो चीज़ वो खुद बनाता है वो उसको ओन करता है और वो उसको अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। आर्ट और क्रिएटिव चीज़ों को बनाने में कलरिंग भी आती है, पेंटिंग भी आती है, कटिंग भी आती है, पेस्टिंग भी आती है और फ्री हैंड ड्राइंग भी हम बच्चों से करवाते हैं। फ्री हैंड ड्राइंग जो है इज़ द बेस्ट वे टू ग्रो देयर इंटेलेक्चुअल थॉट्स।
स्पोर्ट्स में हम उन्हें जो है वो एक्सरसाइजेस करवाते हैं, लाइक वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, बैलेंसिंग अ बुक ऑन देयर हेड. आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए हम रिंग्स को स्किटल्स के अंदर जो है वो दूर खड़े होकर जो है वो थ्रो करवाते हैं. और फिज़िकल डेवलपमेंट में रनिंग होती है, जंपिंग होती है, हॉपिंग होती है, और इस तरह की एक्सरसाइजेस हम डेली बेसिस पे बच्चों को करवाते हैं ताकि वो फिज़िकली फिट रहें. एंड अगेन आई वुड से हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड. द सीलिएंट फीचर्स ऑफ उस्मान पब्लिक स्कूल आर वी हैव इस्लामिक एनवायरनमेंट, वी बिलीव इन कंटिन्यूसली लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट, वी ट्रेन आर टीचर्स, वी बिलीव इन स्टूडेंट काउंसलिंग, एंड वी बिलीव इन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एज वेल. Development of thinking levels are also a part of our studies. Group competitions are there. We do not believe in individual competitions. No position and ranks are given. We do not believe in wastage. Human aspect is kept in mind, and reading culture is promoted everywhere in the school so that our students become avid readers. Expectations from the parents. We expect from our parents regularity or and punctuality. आपका बच्चा वक्त पर और टाइम पर स्कूल आए. इंश्योर क्लीनिनेस, सफाई का ख्याल उसका रखें. वो जो भी चीज़ लेकर आ रहा है, यानी सिर्फ लंच बॉक्स और बॉटल्स, उसके ऊपर उसका नाम मौजूद हो. PTMs ज़रूर अटेंड करें. वर्क ऑन द मैनर्स एंड एटिकेट्स, जो कुछ स्कूल में उनके सोशल इमोशनल एटिकेट्स पे काम किया जाता है, उनको घर में भी उनका डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं. इनकल्केट रिस्पेक्ट एंड ओबीडियंस ऑफ एल्डर्स, इनकल्केट लव ऑफ अल्लाह सुबहानहू तआला एंड रसूल अल्लाह, सो दे नो दैट दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट part of our life and we have to obey them. Control access to the media. बच्चों को मोबाइल, टैब्स और लैपटॉप्स हाथ में देने से पहले मेक श्योर कि उनका स्क्रीनिंग टाइम जो है वो आप मॉनिटर करें, और उसका एक टाइम पीरियड हो, वो अनकंट्रोलेबल ना हो कि दो दो तीन तीन घंटे वो मीडिया को यूज़ कर रहा है. उसकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो खेल रहा है या सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, प्लीज़ सुपरवाइज ऑल द एक्टिविटीज़ एंड बी फर्म विद योर प्रिंसिपल्स. बच्चे बाज़ का ज़िद करते हैं, लेकिन यू हैव टू सुपरवाइज एंड बी फर्म इन द प्रिंसिपल्स. द यूनिफॉर्म यू कैन बाई इट फ्रॉम एनी वेयर. यू कैन फर्दर सी द पिक्चर ऑफ द यूनिफॉर्म. Secondly, send homemade lunch. Avoid sending sweets, chips, biscuits, chocolates, and other things which are not written over here. Toilet training is must. Pampers are not allowed. I'm going to talk about uniform. आप uniform जो है वो किसी भी दुकान से ख़रीद सकते हैं. School की जो rule booklet है उसके अंदर लड़के और लड़कियों के लिए uniform के बारे में तफसीलन दिया गया है. लड़कों के लिए grey pant और white shirt और left side पर monogram है. लड़कियों के लिए A-line shirt with coat collars, 1-inch ब्रॉड वाइट जो है वो उनके बैंड है, और शलवार इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म, और दे हैव टू वेयर द यूनिफॉर्म रेगुलरली. वी शुड बी नीट एंड क्लीन. मीटिंग द टीचर ऑन रेगुलर बेसिस इज़ नॉट अलाउड. यू हैव टू टेक टाइम टू मीट द टीचर. अगर कोई आपको प्रॉब्लम अराइज होता है तो उसको आइडेंटिफाई करें और उसे रिपोर्ट करें. आपको जो स्कूल की तरफ से नोटिसेस कम्युनिकेशन डायरी में भेजे जाएंगे उनको पढ़िए, एक्नॉलेज कीजिए, और उसके अगर कोई उसकी एक्सप्लेनेशन दरकार है तो हम तक उसका ज़रूर पहुँचाइए ताकि हम उसको हल कर सकें. बच्चे के अंदर स्कूल के लिए एक ट्रस्ट और लव पैदा करें, क्योंकि ये वो इदारा है जहाँ वो खुशी से और शौक से आएगा. अगर आप उसके अंदर स्कूल के लिए मोहब्बत और एतमाद पैदा करेंगे. अगर आपको स्कूल से कोई कंप्लेन या कोई फीडबैक देना है तो प्लीज़ जिस कैंपस की कंप्लेन या फीडबैक हो वो डायरेक्टली वहाँ रजिस्टर करवाएं ताकि बर वक्त आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए.
Discussion on the fees is not allowed with anybody. If you have any query regarding the fee, kindly write an application. Your application will be forwarded. खुदा ना खास्ता स्कूल में अगर कोई हादसा बच्चे के साथ हो जाता है, वो गिर जाता है, चोट लग जाती है, हम उसे फ़र्स्ट एड ज़रूर देते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि एक्सीडेंट्स आर फ्रॉम अल्लाह सुबहान व तआला, और घर में भी ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन हम बच्चे इस बात का ज़रूर ख्याल रखते हैं कि हमारी तरफ से कोई कोताही ना हो. Training of the child to take care of the property is very important. अपने बच्चे को ये चीज़ सिखाएं कि वो जो लंच बॉक्स और बॉटल स्कूल लेकर जाता है वो उसको वापस लेकर आनी है, क्योंकि हमें उसको एक रिस्पॉन्सिबल फर्द बनाना है. आगे चलते हैं. अब मैं आपको स्कूल टाइमिंग्स के बारे में बताती हूँ. रेगुलरली हमारे स्कूल टाइमिंग्स जो हैं वो मंडे टू थर्सडे सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होते हैं. फ्राइडे को क्योंकि शॉर्ट डे होता है, इसलिए सुबह 9 से 11 बजे तक नॉर्मल डेज में हमारे ये टाइमिंग्स होते हैं. दीज आर द टाइमिंग्स फॉर नर्सरी एंड प्री नर्सरी. केजी में जो टाइम है वो सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक होता है, but we are talking about nursery and pre-nursery. So the timing for nursery and pre-nursery are as following, and you can see over here. Meeting the principal and the coordinator. For any query or assistance, you can use the communication diary. जो मैंने communication diary आपको दिखाई है, this is the communication diary. You can use this. You can write a note to the principal. And you can use it as a medium where you can communicate with them. If you wish to talk to the principal for the coordinator or the coordinator, you can call the school office between 10 a.m. to 11 a.m. because we leave everything during this time and we just sit and we answer your queries. This time is on like 10 to 11 daily, Monday to Thursday. On Fridays you can call between 9 a.m. to 10 a.m. In case you want to meet the principal or the coordinator to discuss anything, kindly take a prior appointment a day before so we can solve your issue at the very moment, or at least we are there to solve it out. ये आपके बच्चे का आईडी कार्ड है जो डेली वो पहनकर स्कूल आएगा, ताकि उसकी क्लास, उसका सेक्शन और उसका नाम जो है वो टीचर्स को भी याद हो और हमें भी पता चले. ये हमारे 4 बैग्स हैं 4 हाउसेस के. हमारे यहाँ जैसे मैंने पीछे आपको सीलियन फीचर्स में बताया था कि उस्मान पब्लिक स्कूल के कोई इंडिविजुअल पोजीशन या रैंक्स नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ ग्रुप या कंपटीशन होते हैं. तो ग्रुप्स को हमने हाउसेस का नाम दिया हुआ है. ये हमारे 4 हाउसेस हैं, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू. हम एक क्लास के बच्चों को इन 4 हाउसेस में डिवाइड करते हैं और उसी के मुताबिक उन्हें बैग्स दिए जाते हैं. मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि आप लोगों को बैग्स ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये तमाम स्टेशनरी आइटम्स आपको स्कूल से प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें आपकी बच्चों के स्टेशनरी यानी पेंसिल, रबर्स, कलर्स, पेंट्स, पेपर्स, वॉट एवर दे नीड इन आर्ट एंड क्रिएटिविटी, वो भी स्कूल से प्रोवाइड किए जाएंगे. ये बैग्स भी उनको स्कूल से प्रोवाइड किए जाएंगे. बुक्स भी, वर्क बुक्स भी, नोटबुक्स भी. नोटबुक्स केजी में जाकर मिलती हैं, नर्सरी में एक नोटबुक होती है और प्री नर्सरी में वर्क बुक्स होती हैं. ये तमाम चीज़ें स्कूल से प्रोवाइड की जाएंगी, आपको बाज़ार से ख़रीदने की ख़तन ज़रूरत नहीं है. बैग भी आपको स्कूल से ही प्रोवाइड किया जाएगा. आप अगर गौर से देखें तो ग्रीन वाले बैग में और ब्लू वाले बैग में आपको ट्रांसपेरेंट पॉकेट्स नज़र आएंगी. इन पॉकेट्स में आपके बच्चों का नाम लिखा होगा और हर बच्चा अपने हाउस वाइज अपने बैग को शेल्फ के ऊपर रखता है और उनके हाउसेस जो हैं वो डिवाइड होते हैं. इसी तरह उनके हाउस कॉम्पिटिशन्स भी जो हैं वो चलते हैं.
ये हमारी कोर्स बुक्स हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ऑनर्ड टू से दैट के उस्मान पब्लिक स्कूल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल ने 2 साल की मेहनत में के बाद अपनी खुद की वर्कबुक्स और बुक्स और यानी टेक्स्ट बुक्स रीडिंग बुक्स जो हैं वो पब्लिश की हैं और इंशाल्लाह जुलाई के 1st week में ये बुक्स आपके बच्चों तक पहुंच जाएंगी। ये जो सेट मैं दिखा रही हूँ ये प्री नर्सरी का है, ये कम्युनिकेशन डायरी है, ये पिंक है। अच्छा यहाँ आप देख रहे हैं कि ये सेट ऑफ बुक जो है वो पिंक है, हमारे यहाँ जो है वो क्लास वाइज चीज़ों को कलर कोड किया हुआ है। पिंक इज़ फॉर प्री नर्सरी और ये प्री नर्सरी की कम्युनिकेशन डायरी है। इसी तरह नर्सरी की बुक्स और वर्क बुक्स का कलर जो है वो पर्पल है और उनकी कम्युनिकेशन डायरी भी पर्पल है। तो इस तरह बहुत आसानी हो जाती है और बच्चों और ये आसानी टीचर्स के लिए जहाँ है वहाँ बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी की बात है। ये परमानेंट ब्लैक मार्कर से आप अपने बच्चे की चीज़ों को लेबल करेंगे। जो किताबें ये चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, स्कूल प्रोवाइड करेगा, जो कि इंशाल्लाह 1st week ऑफ जुलाई में आपको मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला इनको हम लेबल करके यानी हाउस वाइज डिवाइड करके हम बैग में पूरा सेट बनाकर आप लोगों तक पहुंचाएंगे, आप स्कूल ऑफिस से इन्हें कलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों के लिए जितना फ्रेंडली यूज़र फ्रेंडली चीज़ें ख़रीदें उतना बेहतर है। आप देख रहे हैं यहाँ एक सिंपल सा लंच बॉक्स है और एक सिंपल सी बॉटल है। आमतौर पर से मार्केट में बहुत खूबसूरत तो होते हैं लेकिन बच्चों के लिए उनकी हैंडलिंग बहुत आसान होती है, वो खुल नहीं रहा होता एंड दे आस्क द टीचर, टीचर को वो लंच बॉक्स खोल के देने में कोई मज़ायका नहीं है। बट वी बिलीव कि बच्चा इंटरडिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बन जाए, वो अपना काम खुद से करने लग जाए। और आप देखें कि ये बॉटल और लंच बॉक्स जो है वो आम क्वालिटी का है, क्योंकि फजूल खर्ची करना, बहुत महंगी महंगी बॉटल्स भी मिलती है और हम सबका दिल करता है कि हम ख़रीदें, लेकिन बहरहाल अल्लाह का हुक्म सामने रखना है और फजूल खर्ची से परहेज़ करना है। सिंपल लंच बॉक्स जो बच्चा आसानी से खोल ले और जिसकी सफाई भी आसानी से हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है, और उसके अंदर आप अपने बच्चे का लंच जो है वो डाल के भेजें। इसके साथ साथ अब ज़रा सी बात हो जाए मौजूदा सूरत हाल की। हम सब जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया COVID-19 की वजह से बहुत मुश्किल और परेशानी में है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल सोशल एक्टिविटीज़ हैव बीन कट डाउन एंड सोशल डिस्टेंसिंग इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ दिस डिज़ीज़। सबसे ज़्यादा नुकसान इस COVID-19 की वजह से तालीम के शोबे में हुआ है। वो बच्चे जो हंसते मुस्कुराते रोज़ स्कूलों की तरफ जाते थे, आज वो इदारे बंद हो गए हैं और बंद होने की वजह ये है कि इस डिज़ीज़ को स्प्रेड होने की को स्प्रेड होने से रोकने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग करें। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए करने की वजह से जाहिर सी बात है स्कूल में गैदरिंग्स नहीं हो सकती, यानी स्कूल नहीं आया जा सकता, लेकिन हम तालीमी सिलसिले को रोक नहीं सकते क्योंकि हमें लीडर्स ऑफ उम्मा तैयार करने हैं। इसलिए उस्मान पब्लिक स्कूल ने अपने तालीमी सिलसिले को मुनक़ता करने की बजाय ये सोचा कि क्यों ना सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाया जाए, जहां हम सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। इवन सोशल मीडिया पे हम देखें तो आजकल सब्ज़ी भी बिक रही है, प्रॉपर्टी भी सेल हो रही है, कपड़े भी जो है वो सेल और परचेज़ किए जा रहे हैं, तो क्यों ना तालीम को हम सोशल मीडिया पर जो है वो अपने बच्चों तक पहुँचाएँ ताकि उनका जो तालीमी नुकसान हो रहा है वो ना हो और घर बैठे वो मयारी तालीम हासिल करें। उस्मान पब्लिक स्कूल ने इस सिलसिले में एक मुस्बित कदम उठाया और अपने स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया। 15 जून से ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला चला
और इसमें प्री नर्सरी से लेकर सेकेंडरी क्लासेस तक का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। इस वक्त हमारी जो मौजूदा नई प्री नर्सरी जो आएगी उनकी क्लासेस का आगाज़ इंशाल्लाह ताला फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से हो जाएगा और इंशाल्लाह इन बच्चों की भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने छोटे बच्चे कंप्यूटर के सामने कैसे बैठेंगे, तो हमने इनके लिए जो प्रोग्राम या जो कंटेंट तैयार किया है वो उनकी एज के मुताबिक है और वो फेमिलियर हो जाएं चीज़ों से, पोम्स से, स्टोरी से। स्टोरी टाइम रखा गया है, बच्चे स्टोरीज बहुत शौक से सुनते हैं। राइम टाइम या पोम टाइम रखा गया है, वोकैबलरी चीज़ों की तस्वीरें दिखा के उनकी छोटी छोटी वोकैबलरीज़, और फिर उसके साथ साथ उनकी एक्टिविटीज़ रखी गई हैं ताकि घर में वो कर सकें, ताकि उनके तालीम का सिलसिला जो है वो कट डाउन ना हो बल्कि चलता रहे और हमारे बच्चे तालीम से महरूम ना रहें। मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट करना चाहूँगी कि हमारी नई प्री नर्सरी और नर्सरी जो इस साल 2020-21 के सेशन में आएगी, उनके लिए जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो इंशाल्लाह ताला हम जुलाई के फर्स्ट वीक में जो है वो स्टार्ट कर देंगे और वहाँ से वो जो है वो स्कूल के एनवायरनमेंट से काफ़ी हद तक फेमिलियर हो जाएंगे। उन्हें अंदाज़ा होगा कि किस तरह से चीज़ों को, यानी उनकी स्पेशल लर्निंग जो है वो डेवलप हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला वो चीज़ों से फेमिलियर हो जाएंगे। मैं मोहतरम वालदैन से इस बारे में रिक्वेस्ट करूँगी कि ये पेंडेमिक से हमें अपनी तालीमी सरगर्मियों को रोकना नहीं है बल्कि ऑनलाइन क्लासेस से अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रखना है ताकि हमारे बच्चे तालीम के मैदान में पीछे ना रहें, बल्कि जिस तरह पहले वो स्कूल आकर तालीम हासिल करते थे, इस तरह बस जगह तब्दील हो गई है कि वो घर बैठ के तालीम हासिल कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह से उम्मीद है और आपसे दुआओं की भी दरख्वास्त है कि दुआ करें कि जल्द अज़ जल्द स्कूल्स खुलें और स्कूल्स की रौनक बहाल हो और बच्चे स्कूल जाएं और आकर अपनी तालीमी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लें। जज़ाकअल्लाह खैर।